हाँ जी रोहित ठाकुर बताइए। हाँ ये ओबीसी का आरक्षण वरक्षण मिलता है जी? किसको क्या मिलता है? बात कर रहे हो, सच में हाँ मिलता है? वही सच में मिलता है क्या? पूछ रहे हैं, मिलता है? पता नहीं यार हमें, यार आपको क्या पता होगा मिलता है कि नहीं? नहीं वही पूछ रहे हैं आपसे। हमको आपको क्या लगता है वैसे, गैस करो। तो लगता है फूटी कौड़ी नहीं मिलता है। हाँ नहीं मिलता, सही कह रहे हो आप, सच में नहीं मिलता उन्हें, हालत खराब है। ये क्या बोलते हैं, ऊपर वाला भी, जो ऊपर जनरल होते हैं ना, वो लोग भी साला हम लोग को बेवकूफ बनाता है, और एससी भी हम लोग को बेवकूफ बनाता क्या बात कर रहे हो, एससी वाले भी घर आ जाते हैं आपको बेवकूफ बनाने? जनरल बातें तो समझ में आए, ब्राह्मण आके उल्लू बनाता है आपको, है। एससी वाला कैसे आता है बेवकूफ बनाने, थोड़ा बताओ मुझे। ऐसे बेवकूफ बना के वोट ले लेता है। एससी वाला वोट ले लेता है आपसे कैसे, मतलब बेवकूफ समझ में नहीं है, बनाता मुझे है। समझा नहीं आपसे। एससी वाला कैसे आपके घर आया, उसने आपके ऊपर मंत्र मारा, उल्लू बनाया और वोट ले लिया आपसे, ये नहीं समझा मैं काम कैसे, मतलब करता ही नहीं है, कौन काम नहीं करता एससी वर्ग में कोई भी अभी तक कोई काम किया है कुछ भी? सर? आपके यहाँ नाली कौन साफ करता है फिर ये बताएं, जूते सिलना, नाली साफ करना, ये कौन से वर्ग के लोग कर रहे हैं? वो एससी वर्ग के लोग, तो आप कह रहे हैं कोई काम नहीं किया एससी वर्ग ने? वो अलग बात है ना, वो तो घरेलू काम है और उसका विरासती काम है। कौन से काम की बात करनी है फिर बताएं ना आप, थोड़ा साफ तो करें, मतलब एससी वर्ग के लोगों ने कौन सा काम नहीं किया? अभी तक राजनीति में कुछ किया है ओबीसी के लिए कोई भी? नहीं 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 किया, सही कह रहे हो सर, ओबीसी वालों के साथ बिल्कुल नहीं किया, ये तो सही कह रहे हो आप। बताएं क्या यही पूछ रहे थे, वो आरक्षण करना, आरक्षण क्या एससी करना था, क्या करना था वैसे, एससी लोगों को करना क्या था ओबीसी के लिए? लोग में इतना सांसद बना, किसी ने कुछ किया ओबीसी के लिए? कितने सांसद बने एससी से वैसे, थोड़ा बताएं आप मुझे। क्या नाम है अभी तो, ये क्या बिहार में अभी ये है, क्या नाम है उसका, क्या नाम है जो पूरा गोरा नारा है ना, भूल गया हम नाम अच्छा अभी तक बिहार से हो उसको। हाँ आप, हाँ बिहार से हो क्या? हाँ ये लालू प्रसाद यादव कौन है, कौन सी पार्टी से हैं? लालू प्रसाद यादव बिहार ये कौन से, ओबीसी से हैं, के एससी से हैं, किससे हैं? ओबीसी से है, और ये नीतीश कुमार वो भी ओबीसी है। कितने सालों से सरकार है सर लालू और नीतीश कुमार की? कितने बहुत दिन से है वो लोग का, साल, मतलब नीतीश कुमार को कितने साल हो गए होंगे लगभग? कितना हो गया होगा पता नहीं, उन्हें जानते मुझे बीस बहुत तीस दिन, साल, कितने साल हो गए होंगे, 20 30 कितने हो गए, अंदाज लगाएं थोड़ा, 15-20 तक हो सकता है। 15 20 तक हो सके। उससे पहले किसकी सरकार थी सर, नीतीश कुमार से पहले? सबसे पहले इसका लालू यादव का, लालू यादव का सरकार थी, चलिए ठीक है। फिर मतलब ओबीसी को कब, एससी को कब काम करना था, मैं ये समझ पाने नहीं पा रहा हूं, मतलब एससी लोगों को कब काम करना था ओबीसी के लिए, पूछ रहा हूं मैं थोड़ा। जैसे सबको मतलब धूर तीस बनाते चालीस साल हैं। मान लें अपन जैसे पुराने, तो उसमें तो ओबीसी वालों की सरकार है, तो इसमें एससी वालों को काम कब करना था? तो वही तो बोले, जनरल वाला भी धूर बनाता है, ओबीसी भी धूर बनाता है, एससी भी धूर बनाता है, तो कुछ है नहीं, नहीं बोलता सर, आरक्षण आरक्षण सरकार तो आपको ओबीसी वालों की थी ना सर, ये नीतीश कुमार और लालू की सरकार है, इन्होंने क्या किया आपके समाज के लिए? कुछ नहीं किया ये लोग, तो और दबाया हम लोग को। बताओ मतलब, तो एक काम करें ना सर, आप बीजेपी में शामिल हो जाए ना, वो आपको बगल में बिठा लेंगे। बीजेपी में ही तो है। अच्छा बीजेपी में ही हो, क्या बात कर रहे हो, हाँ मंदिर जाते तो होगे आप तो फिर। हाँ नहीं बोलिए। नहीं मंदिर नहीं जाते हम लोग, मंदिर में हम लोग काम करते हैं, जाते नहीं। जो अच्छा मंदिर में काम करते हो, जाते काम नहीं हो, क्या काम करते हो मंदिर में? मिल जाए, जैसे मतलब क्या काम दे देते, पुजारी बना देते हैं आपको? हाँ बन जाते छुपके छुपके क्यों बनते हो, उजागर बनो ना, खुले में चौड़े हो छुपके के, चौड़े छुपके क्यों बनना हो, भाई? अदनंगे हो, चौड़े हो, धोती पहनो, लंगोटी पहनो, जनेऊ डालो और पुजारी बन जाओ, उसमें क्या है? हाँ जी बन जाते हैं हम लोग, हाँ बन जाते हो, सही है। बिहार में कितने मंदिरों में आप लोग पुजारी बन गए?
बने नहीं है, जाके बैठते हैं, जितना होता है आधा आधी पैसा लेके निकल जाते हैं हम लोग। अच्छा पैसा भी ले लेते हो? कैसे मतलब, काय में से पैसा ले लेते हो? पैसा कैसे ले लेते हो मतलब, समझ में नहीं आया। जैसे वो चढ़ावे में आता है वो ले लेते हो क्या? कैसे ले लेते हो मतलब, लोग चढ़ाते हैं पैसा तो आप उठा के भाग लेते हो? नहीं जी, उसमें आधा पैसा लेते हैं हम लोग, काम करते हैं किसमें, तो आधा पैसा देता है। क्या काम करते हो वहां? वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे, जैसे काम क्या करते हो आप, क्या वो काम करते मूर्ति हो? को साफ करते हैं। मूर्ति साफ करते हो? और मूर्ति में मूर्ति क्या गंदी हो लग जाती है जाता क्या? है भाई? हाँ वही तो, गंदी हो जाती है कि मूर्ति सुसुपाटी कर देती है, क्या हो जाता है मूर्ति में? नहीं, इसे मूर्ति साफ करते हैं, उधर बेल नहीं तो पत्तर पत्तर उठाते मूर्ति हैं, में गंदा क्या होता है, यही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे, मतलब मूर्ति वो में क्या गंदा हो जाता चढ़ाता है? फूल उल चढ़ाता है ना, इसीलिए। तो वो तो सब पवित्र हो जाती है ना फूल चढ़ाने से, साफ गंदी थोड़ी होती है। फूल से कब से गंदी होने लगी भाई? हाँ फूल वो तो से फूल गंदी कब चढ़ाने से से होने लगी? तो पवित्र हो जाती है, गंदी थोड़ी होती है। हाँ तो वही से साफ करते हैं, पैसा मिलता है। क्यों साफ करते हो सर, वो तो पवित्र हो गई ना मूर्ति, किसी ने दूध चढ़ाया, किसी ने दही चढ़ाया, उससे तो मूर्ति वैसे पवित्र हो गई, साफ पंडित, हो जाती है। वैसे वैसे पंडित आपको पैसा देता भी है कि चुरा के भागते हो? मतलब नहीं, पैसा देता है मंथली। मंथली देता है किस काम? अभी लेके भागते थे सर, ये अब मंथली दे रहा है। अभी बोल रहे थे लेके भाग जाते हैं, अभी बोल रहे थे, आप कह हाँ रहे हो नहीं, मंथली देते हैं। जो बचता उसका है ना, उधर से 20 रुपया, 25 रुपया, 40 रुपया जितना होता है रख लेते हम लोग। बस इतना ही? मॉरल सर हाँ देखो, मलाई वो खा रहा है, 20-40 दे देते। यार वो तो पूरे 1000-2000 ले जाता है, आपको 20-40 देता है, आपने लड़ाई नहीं नहीं, की उससे? फिर मंथली भी देता है हम लोग को। हाँ, कितना देता है, कितना छह देता है हजार यार 6 हजार वो, मतलब रोज के लो छह सर, सात हजार ले जाता है, आपको महीने के 6000 दे रहा है यार, हद हो गई है। अंडर पे पर रख रखा है सर इनको, तो एक फिर इससे तो घर का भी घंटा का खर्चा तो नहीं काम ही चलेगा 6 हजार रहता से। है। हाँ ये लेबर रेट भी नहीं है सर, लेबर रेट भी ज्यादा है इससे, एक घंटा का तो वही काम ही तो, रहता है जी। एक घंटे का काम रहता तो भी। फूल उल साफ करने में कितना टाइम लगता है? उठा थोड़ा माला वाला फूल उठा, प्लास्टिक में डालो, तालाब में फेंक दो। हाँ अरे क्या बात कर रहे हो, तालाब में फेंक देते हो प्लास्टिक पन्नी उठा के? तालाब वो गंदा हो जाता होगा, वो कौन साफ करता है फिर? नगर निगम, नगर निगम में कौन आता है साफ करने के लिए? वो एससी वर्ग के लोग। अच्छा एससी वर्ग के लोग साफ करते हैं नगर निगम में। ये समस्या है आपकी, सारी समस्या ही वही है कि एससी वर्ग के लोग वहां पे साफ करते हैं। ये तो अब मुझे समझ में आया कि आप यहाँ के फूल फेंक देते हो सारी गंदगी नदी में, पर एससी वर्ग के लोग आकर वहां पे गंदगी साफ करते हैं। सर और क्या करते हो सर, ये फूल वूल उठाने के अलावा और क्या काम धंधा करते हो? और हम इससे डिलीवरी बॉय का जॉब करते हैं, बाल काटने का किसमें? काम करते हैं, और उसके अच्छा बाद अच्छा ये क्या नाम है, और एक काम करते हैं, स्कूल वैन चलाते हैं। तीन काम कैसे करते मोदी हो, जी मतलब से भी बाल बड़े कब काटते हो, नहीं, सुबह काटते हो रात में काटते हो? सुबह का पहले उठते हैं, बच्चा छोड़ते हैं स्कूल में, ठीक है, स्कूल छोड़ के आते हैं, मंदिर का फूल उल साफ कर देते हैं, फिर दुकान खोलते हैं, दुकान में आराम से 1 बजे तक बाल काटते हैं, फिर 1 बजे दुकान बंद करते हैं, फिर बच्चा छोड़ के घर आते हैं, फिर 3 बजे डिलीवरी करने निकल जाते हैं। किसकी डिलीवरी करनी? तो स्विगी, स्वेगी की? अच्छा, ठीक। तो इसमें बाल कितने काट लेते हो दिन भर में? हो जाता है 500-600 रुपये। तो यार पढ़ लिख क्यों नहीं लेते यार, अब पढ़ लेते रोहित भाई तो मतलब अच्छे आप बन जाते, इंजीनियर डॉक्टर बन जाते, पढ़ाई क्यों नहीं की आपने? अब इतना जिम्मेवारी है कि पढ़ाई कहाँ करेंगे। जिम्मेदारी मतलब मैं समझा नहीं, किस चीज की जिम्मेदारी, किस चीज की जिम्मेदारी है? बहुत सारा घर में टेंशन होता है ना जी। जैसे क्या, किस चीज का टेंशन है? शादी वादी कर ली आपने? शादी कर ली? नहीं शादी, नहीं, शादी नहीं हुआ, पढ़ाई शादी नहीं हुआ, क्यों नहीं किया शादी किए, अभी? 10th तक पढ़ाई किए हम। फिर फिर तो 10th के बाद? छोड़ दिए। फिर आपने सरकार से, सरकार से बोला क्यों नहीं आपको नौकरी दे दें? 10th तक पढ़ाई की है तो वो सरकार आपको नौकरी दे देती ना। सरकार कुछ नहीं दे रहा, अरे सरकार तो आप सरकार ही की है कौन ना, कुछ नीतीश कुमार दे रहा आपकी तो है, ओबीसी समाज की सरकार है, उससे नौकरी क्यों नहीं मांगी आपने? है? वो लोग तो और चला हम लोग को दबा रहा है। कैसे दबा रहा है मतलब, समझ में नहीं आया मुझे, वो लोग तो आप ही की जात के लोग हैं, फिर वो दबा कैसे रहे? तो ओबीसी में है तो लोग थोड़े ना हम लोग को देख रहा, उसको अपना यादव को देख रहा बस।
होगी यार कुछ नहीं, बाकी भाड़ अच्छा मुझे आप, कौन। अच्छा वो यादव को देख रहा है, आपको नहीं देख रहा है। यादव लोग क्या मतलब वहां पे सारी नौकरी करते हैं, कलेक्टर एसपी हैं, पैसे वाले लोग हैं क्या यादव लोग? सारे यादव पैसे वाले हैं? नहीं सारे नहीं है मतलब तो है वो लोग, थोड़ा अभी बहुत बढ़ गया वो लोग, पहले बहुत ही था कमजोर था, अभी बढ़ गया वो लोग पूरा बढ़ गया वो बहुत। लोग। अपना अपना सरकार आ गया ना वो लोग का, इसीलिए। तो सरकार तो आपका भी है ना, अभी तो ओबीसी समाज से आते हो, अब मांगते क्यों नहीं सरकार से कुछ सुविधाएं अपने लिए? नहीं देता है जी, कितना बार हम लोग किए हैं बोले हैं तो देवे नहीं, कुछ कर भी नहीं करता हम लोग के लिए। क्या चाहिए वैसे, आपकी मांग क्या है, क्या चाहते हो आप सरकार से? कम से कम आरक्षण दे दे हम लोग को, ओबीसी को। मेरा पढ़े तो हो नहीं, ओबीसी को आरक्षण तो है, आप पढ़े तो नहीं, पढ़ाई तो नहीं की हुई है, दूगो भाई पढ़ता है ना जी, तो आरक्षण 27% मिलता है ना ओबीसी को? कहाँ मिलता है, नाम का आरक्षण है, कोई काम का थोड़ी ना है। क्या बात कर रहे हो, नाम का और काम का समझा नहीं मतलब? ये नाम का आरक्षण है 27%, कोई काम का नहीं है। काम का मतलब कैसे, मतलब काम कैसे करेगा वो? मेरा दो भाई पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ के बुढ़ा गया, कभी तक नौकरी लगा ही नहीं कहीं पे भी। नौकरी नहीं लगा आपका, पढ़ पढ़ के बुढ़ा गए वो? तो वो प्राइवेट में देख रहे थे ना, प्राइवेट में तो जॉब रहते हैं इतने सारे, नया जॉब वॉब नहीं करते हैं। क्या करते हैं दोनों भाई? वही दुकान में काम करता है। पढ़ाई किस चीज की कर रहे हैं दोनों भाई? किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं आपके भाई? रेलवे का भी करता है, पुलिस पुलिस लंदन जो आ जाता है सब में भर देता है। तो रेलवे की तो सर 6-1 साल से नौकरी नहीं निकली थी ना, 2019 से अभी निकली हुई है, इतने सालों तक वो क्या कर रहे थे जब नौकरी नहीं निकली तो? पता नहीं लोग, अभी जो पुलिस का निकला उसी का तैयारी कर रहा है। अच्छा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, तैयारी करते रहे, पढ़ाई करेंगे तो नौकरी मिल जाएगी, अच्छे से पढ़ाई करवाइए अपने भाइयों को, उनसे बोलिए अच्छे से पढ़ाई करें तो उन्हें नौकरी वोकरी मिल जाएगी। मेहनत करनी पड़ती है सर, नौकरियां कम हैं, लोग ज़्यादा हैं, ठीक, आरक्षण मात्र 27% है, जबकि ज़्यादा मिलना चाहिए आपको, वो दे नहीं रहे हैं। नौकरियां कम नहीं है, नौकरी लोग निकाल नहीं रहा है बिल्कुल सही कह रहे हो, नौकरी निकाल नहीं रहे हैं, सही कह रहे हो आप, निकालना चाहिए इन्हें लोग, नौकरी। नौकरी कम नहीं है। अगर हम जाएंगे सरकार में तभी धड़ धड़ नौकरी निकलेगा। तो आप जाओ ना सर, चुनाव में खड़े हो जाओ, फिर किसने रोका आपको? हम जाएंगे तो अभी नौकरी धड़ाधड़ निकले, कहाँ कहाँ से निकालेंगे किसी को कोई पता नहीं चलेगा भी, और ये हाँ निकाल ही सही नहीं है, रहा है कहाँ लोग। कहाँ से, मंदिर से कहाँ निकाल से देना दो चार निकाले। नौकरियां, और मंदिर से निकाल देना दो चार नौकरियां। हाँ मंदिर से भी निकाल देंगे जी, हाँ सही है, देंगे मंदिर सबको। में, हाँ मंदिर सबको खोल लो ना यार ठाकुर जी, एक मैं आपको एक बहुत अच्छा बताता हूँ, देखो मंदिर खोल लो अपने घर में, मूर्ति रख लो, मंदिर खोल लो, सब रोज के 2-4 हज़ार रुपये आएंगे। क्यों नहीं जी, कोई मंदिर थंदी थोड़ी नहीं जाता है मंदिर क्यों नहीं खोल सकते? अरे इधर कुछ चमत्कार जोड़ दो ना तो। यार मंदिर से, कुछ चमत्कार जोड़ दो और प्रचार करवा दो यार, पैसे खर्च करके 2-4-5 हज़ार बस, फिर देखना कैसे जनता आती है। दावा कर देना कि भाई हम सारी बीमारियों का यूं ही चुटकी में इलाज कर देते हैं। यह और सब भंडाफोड़ आदमी है, अर्जक संघ। अच्छा वो भांडा फोड़ देंगे अरे आपका, अर्जक हाँ संघ यही से समझ डरते में आती है, ही अर्धसंग वाले भांडा फोड़ ये देंगे आपका, सही कह रहे हो यार, सब पीछे भंडाफोड़ पड़ आदमी है, सब गए। भाग रहा है यहाँ से, अरे तो मंदिर खोलो। नहीं मैं तो आइडिया दे रहा था यार पैसे कमाने का, मंदिर खोलो। अच्छा एक काम कर सकते हो आप, डोलची ले अर्जक लो संघ से बस, दूर जाके और कर लो ना, क्या, दूर चले जाओ अर्धसंग से। कहीं नहीं। अजय सिंह दूर कहाँ जाएंगे जी, बिहार में ना है सब। अरे तो यार शनिवार के अरे दिन करे करो ना पार्ट टाइम जॉब, वो डोलची में एक बढ़िया शनिदेव रख लिया करो, शहर में चक्कर मार दिया, तो मेरा सब तो पार्ट टाइम ही जॉब है। शनिदेव का और करने लगो धंधा, उसमें भी 1,000-1 रुपये मिल ही जाएंगे। मतलब आपको इस सब में कुछ देखना नहीं है, खाली मंदिर ही देखना है आप लोग को ना। मंदिर तो यार फ्री का धंधा है यार, खोलो, देखो विधायक दो पैसा कमाओ ना, यार जो बाकी ब्राह्मण भर लोग कमा में रहे, एक बात बताओ शनिदेव का काम कौन कर रहे हैं, वो जोशी ब्राह्मण, तुम भी करने जाए लगो, क्या परेशानी है भाई, वो कमा रहे हैं तुम भी कमा लोगे। सब। ब्राह्मण मेरे पास ही आता है काम खोजने के लिए। अरे तो काम खोजने के लिए आता है तो शनिदेव का धंधा कर लो ना यार, इतना बढ़िया है, शनिवार के दिन तो अच्छे पैसे मिलेंगे।
तेल भी मिल जाएगा साथ में, तेल भी मिलेगा, सब फालतू काम है, इसमें कोई फायदा नहीं है। चलो रहने दो यार, अब तुम पढ़ाई पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो तो यार अब कैसे आगे बढ़ोगे बताओ, पढ़ाई लिखाई शुरू कर दो ना। तो आप पढ़ के क्या करेंगे यार, बगैर पढ़े अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी मुझे बताओ ना, मुझे तुम्हारी बात ही नहीं समझ में आई। मतलब 10वीं तक पढ़ोगे तो नौकरी अच्छी कैसे मिलेगी? खराबी नौकरी मिल जाए। ये देखिए, हमको नौकरी नहीं चाहिए, जो मेरा दो भाई है ना वही लोग को नौकरी चाहिए था। हाँ तो पढ़ाई करना पड़ेगा, प्रयास करने पड़ेंगे, कई बार परीक्षा देनी पड़ेगी, कंपटीशन ज्यादा है। नौकरी आई है नहीं है ना? नौकरी तो नहीं है यार, ये तो सही बात कह रहे हो, नौकरी तो नहीं निकलती, बीजेपी लोग बीजेपी लोग हरामीगिरी करता है, मतलब महंगाई इतना बढ़ा दिया। बीजेपी में ही हो ना आप तो यार, आप तो खुद ही बीजेपी में हो। बीजेपी में है तू, रामनाथ ठाकुर है इसीलिए। ये कौन है रामनाथ ठाकुर? कौन है ये कर्पूरी मतलब, ठाकुर को जाति भी जानते देख हैं? रहे हो? हाँ हाँ जानता हूँ ना, जाति भी देख रहे हो, पैसा पैसा भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, जाति भी देख रहे हैं भाई, जाति भी देख रहे हो यार, बताओ। कर्पूरी ठाकुर तो बढ़िया आदमी थे, नहीं बहुत नहीं बढ़िया। ठीक है, देखिए हम जाति नहीं देख रहे हैं, अभी है तो थोड़ा आशा लगाए हुए कि है आदमी, समझे? जाति हम लोग नहीं तो देखते। फिर उसी से बोलो ना यार कि नौकरी दिलवाए यार, फिर वो किस लिए भेजा है आपने अपनी जाति का? भैया क्यों भाई, सब सबका काम होता है ना जी, सबका क्या काम काम होता करना होता है ना, तो ही सबसे उम्मीद लगाए कि भी कुछ करेगा, उम्मीद लगाए हुए हैं। है? अरे तो उसको बोलो ना यार, आवाज उठाए जाके संसद में, नौकरी निकालो। और क्या, उससे नौकरी निकालने के लिए बोलता क्यों नहीं है भाई? उनसे बोलिए कि भाई वो नौकरी के लिए संसद में बोलें। ठीक है, हम और बोलेंगे क्यों नहीं बेटा। रहे? मैं सबसे अच्छा आइडिया बता रहा हूँ, मंदिर खोल लो, उससे अच्छा कोई धंधा नहीं है। और मंदा ना पड़ने मंदिर वाला धंधा है वो। और क्या, उसमें पढ़ाई भी नहीं करनी मंदिर में, और तीनों भाई लग जाओगे मंदिर में, तीन मूर्तियां रख लेना, तीनों भाइयों को बिठा लेना। अच्छा, लो यार एक इतना दो बढ़िया चमत्कार धंधा। जोड़ दो बस। ठीक है, मंदिर खोल के हम बैठ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए आप। अरे हमें क्यों टेंशन लेना अगर है यार भाई? ज्यादा गरीब हो भाई तो हमें बता देना, अर्जंग सग वाले अपने दोस्त हैं उनसे मना हम कर देंगे भाई, कि भाई इनको एक ठाकुर साहब साल ज्यादा गरीब है, एक साल के लिए मत सताओ भाई। एक साल के लिए हाँ परेशान मत करो, उनसे सेटिंग करवा देंगे यार, आप खोलो तो सही मंदिर, हाँ सेटिंग करवा देंगे, बताओ। 10% दे देना, ठीक है, मंदिर खोल लो, मंदिर 10% दे कमीशन कमीशन देंगे, कितना दे दोगे देंगे सर इनसे? इनसे पूछते हैं कितना कमीशन दोगे भाई, बताओ। कितना दोगे बताओ? ठीक है, हम मंदिर खोल देंगे, टेंशन मत लीजिए। एक पत्थर हम उठा लोगों के का ले जा रहे कमीशन, हैं, रोड में हमारा लगा कमीशन देते कितना हैं। भाई? हाँ यही हाँ पत्थर ले जाओ, वो रोड का पत्थर उखाड़ के ले पत्थर जाओ और कल उठा घर पे दे लगा रहे दो, हैं, रोड में लगा दे रहे हैं, उसमें बैठ जा रहे हैं, दो चार गो मंत्र पढ़ के हनुमान बस सबसे अच्छा धंधा मंदिर चालीसा का। लेके बैठ जाएंगे। अरे बहुत बढ़िया यार, पैसे आ ही जाएंगे शाम तक। ना तुम अब हमारा चलो यार कमीशन तो बता करते दो भाई, कितना दो? अरे ये मजाक कर रहे हैं यार आजाद भाई, रहने दो, कोई मतलब नहीं। अच्छा, आपका कमीशन कितना चाहिए आपको बताइए, क्या अरे यार 10% दे देंगे आपको कमीशन कमाए का? पैसा चलो ठीक है, फिर डन डील, ठीक है बताना अगले इन्वेस्ट स्ट्रीम का। करना होगा ना आपको, क्या, इन्वेस्ट तो करना होगा ना, अरे इन्वेस्ट तो की ये जरूरत ही कहाँ बताइए। यार, मूर्ति इन्वेस्ट हम अर्जक संघ वालों से बचा रहे हैं ना भाई, उसमें से भी हमें 5% अर्जक संघ वालों को देना पड़ेगा, वरना वो आपको उधर ही रेल देंगे यार, पेल देंगे। और क्या, अभी आप ही बोले थे अर्जक संघ का डर है आपको यार। नहीं हमको डर नहीं है, हम ही सबसे गौतम भाई एकदम आते हैं हमारे अर्जक संघ वाले, वो बताओ बुलाए उनको, फिर पिलवा दें तुम्हें अभी। नहीं हमको तो डर नहीं है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है मंदिर उंदिर से, आप चलो ठीक है बोलिएगा भाई, तो खोल दूंगा, लेकिन पूंजी लगेगा आपको। फोन नंबर दे दे रहे हैं, पेटीएम कर दीजिए। चलो भाई लो जाओ बस, बहुत अभी तुम हमारे पास ही भिखारी बन गए भाई, कैसे काम चलेगा तुम्हें?